वेलकम बैक टू माई चैनल। और मुझे पता है कि मैं बहुत दिन बाद आई हूँ, बट दैट्स ओके, बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखें क्वारंटीन में आज। तो ज़्यादा जिबर जाबर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जो यूज़ करती हूँ ना, दे आर मैजिकल इन्ग्रीडियंट्स। क्योंकि मेरी स्किन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा, और अब वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होना शुरू हो चुकी है। और जब मेरी स्किन हाइपर सेंसिटिव है तो आपकी स्किन पे तो काम करेगी ही, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो हाइपर सेंसिटिव है। और मैंने अभी कोई भी बेस मेकअप नहीं लगाया है गाइस, एज यू कैन सी मैंने सिर्फ हाइलाइटर यूज़ किया है अपनी नोज पे और अपने आईलिड्स पे, और लिपस्टिक लगाया है और मस्कारा लगाया है, दैट्स इट। तो गाइस विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले जो मोस्ट मैजिकल इंग्रेडिएंट है जो मैं नहा के आती हूँ फेस वॉश करके, तो फिर मैं यूज़ करती हूँ, और इसे मैं दिन में दो टाइम यूज़ करती हूँ। दो बार मैं फेस वॉश करती हूँ दिन में, एक बार दिन में एक बार रात में, मतलब दो बार एक दिन में, एक बार दिन में एक बार रात में। तो पहला इंग्रेडिएंट है, पहला तो आपका फेस वॉश हो गया, दूसरा हो गया आपका ये टोनर। दिस इज फ्रॉम बायोटिक और इसका प्राइस है ₹175। और ये फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, और ये पोर टाइटनिंग वाला है। ठीक है, पोर टाइटनिंग टोनर विथ हिमालयन वाटर। ये देखो गाइस, मुझे भी पहले लगता था कि क्या ये टोनर वोनर लगाना, सीधा क्रीम पे जंप करो, सीधा मॉइस्चराइजर पे जंप करो। पर जब मैंने खुद टोनर यूज करना शुरू किया तब मुझे पता चला दैट इट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू यूज टोनर। मुझे डिफरेंस खुद दिखता है, और ये मैं दिन में दो बार यूज करती हूँ। ये मुझे नायका से मिला था। अगर आपके पास ये वाला टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल भी यूज कर सकते हो, प्लेन गुलाब जल। फिर टोनर लगाने के बाद मैं दिन में सिर्फ अपनी मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, दैट इज निविया क्रीम। आपकी जो भी मॉइस्चराइजर आप यूज करते हो आप वो कर सकते हो, मैं तो ये वाली करती हूँ क्योंकि ये सुपर हाइड्रेटिंग है, सुपर डुपर हाइड्रेटिंग। ये मुझे ड्राई कभी नहीं होने देता, मेरी स्किन को ड्राई कभी नहीं होने देता, इट्स सुपर हाइड्रेटिंग। और रात में एक और चीज ऐड हो जाती है, जैसे मैंने टोनर लगाया, फिर उसके बाद मैं रात में कोकोनट ऑयल लगाती हूँ एक पंप। मैंने इसे बॉटल में कर लिया है जिससे मैं इसे पंप वाइज निकाल सकूं। तो एक पंप मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, अच्छे से मसाज करती हूँ इनटू माय स्किन, और उसके बाद मैं फिर अपनी क्रीम लगाती हूँ, देन आई गो टू बेड। ठीक है, जिस दिन मुझे अपने स्किन को थोड़ा ज्यादा पैम्पर करना रहता है, लाइक स्क्रबिंग, मास्क वगैरह वगैरह, तो पहले तो मैं नॉर्मल फेस वॉश करती हूँ। फिर उसके बाद मैं घर पे हूँ इसलिए मैं यूज करती हूँ दिस नेस्कैफे। आप लोग सोचोगे क्यों यूज करती है, तो पीने के लिए होता है, तो ये सिर्फ पीने के लिए नहीं होता है। इसको मैं कोकोनट ऑयल में मिलाती हूँ थोड़ा सा, और इससे मैं स्क्रबिंग करती हूँ। ये मेरी अच्छे से पूरे डेड सेल्स को रिमूव कर देता है और एक ग्लो देता है मेरी स्किन को, और फिर उसके बाद ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करती हूँ। फिर मैंने ये बनाया है, ये है ऑरेंज पील पाउडर। आपके देखो अभी संतरों का सीजन चल रहा है, अभी ऑरेंजेस का सीजन चल रहा है, तो आप ऑरेंज खरीद सकते हो और फिर उसके पील को आप सुखा दो धूप में एंड फिर उसको ग्राइंडर में पीस दो, बन जाएगा आपका ऑरेंज पील पाउडर। और ऑरेंज पील पाउडर को मैं हनी में मिक्स करके, जैसे ये है ना, ये जैसे एक चम्मच है तो आधा चम्मच हनी एक पेस्ट बना के फिर अपनी स्किन पे अप्लाई करती हूँ। इससे क्या होता है कि हनी जो है वो ग्लो प्रोवाइड करता है, और ऑरेंज पील जो है वो मेरी स्किन से सारे दाग धब्बे, ऑल द स्पॉट्स, डलनेस, और फिर ये सब हटाता है। और हनी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है और ग्लो प्रोवाइड करता है, और भी बहुत चीज़ करता है। हाँ मुझे पता है, मैं बताती हूँ रुको, और ग्लो प्रोवाइड करता है, हाइड्रेट करता है, और आपके फिर ये जो स्पॉट्स वगैरह हैं, इन्फ्लेमेशन हैं, उनको घटाता है। कोकोनट ऑयल भी आपके इन्फ्लेमेशन को घटाता है,
तो अगर आपको रात को लग रहा है ना कि पिंपल आने वाला है, आया नहीं है, तो आप उसको लगा के आप सो जाओ, आपका इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे सब्सिडाइज हो जाएगा। और जिस दिन मुझे और ज्यादा मन करता है कि मैं मतलब और ज्यादा अपनी स्किन को पैम्पर करूँ, उस दिन मैं क्या करती हूँ, मैं एक आइस क्यूब लेती हूँ और उस आइस क्यूब को 10 सेकेंड्स के लिए, 10 सेकेंड्स के लिए मसाज करती हूँ अपनी स्किन पे, और ये मैं 3 बार करती हूँ। तो 10 10 10, तो मतलब 30 सेकेंड्स इन टोटल मैं मसाज करती हूँ उसे अपनी स्क्रीन पे। एंड देन आई स्विच टू माई ऑयलिंग एंड फर्स्ट टोनर, ऑयलिंग एंड देन मॉइस्चराइजिंग। सो गाइज, आप ये इसको फॉलो करो और आप फिर इसके रिजल्ट्स मुझे बताना, क्योंकि मेरे रिजल्ट्स तो बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग आए हैं और मैजिकल आए हैं। और बस, तो फिर थैंक यू, बाय बाय।